गुड मॉर्निंग मैम। आज कैमरा होने के चांसेस हैं। कैमरा ऑन करोगे? सब करो, कैमरा ऑन करो। ज्यादा लोग तो है नहीं। हेलो अरे कैमरा अभी तक किसी ने ऑन नहीं किया। ऑन करिए कैमरा। दिव्यांशु, अनुपमा, सॉरी अन्नपूर्णा, अंकित, संगीता कुमारी, मुस्कान, अपर्णा, कैमरा ऑन करो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉब्लम ऑन एज शुरू किया था क्या? अंकित, प्रॉब्लम ऑन एज शुरू किया था? क्वेश्चन बनाए हो कुछ? क्वेश्चन बनाए हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस का? बनाया है? बोलो। हम सर क्यों हिला रहे हो? हाँ या ना? नो मैम। नहीं, नो मैम। क्यों? टाइम ही नहीं मिल रहा मैम, एग्जाम है मैम। सबको कैमरा ऑन करने के लिए बोले ना, हमें तो खाली करेंगे। अरे हद है, तुम अपना काम करो ना। फिर से बंद हो गया क्यों? हद है, हर जगह आगे रहना है और अभी पीछे जा रहे हैं। अंकित? अरे हाँ अंकित भाई। हाँ हाँ, आप ही की बात कर रहे हैं अंकित। बोलिए। नंबर 50 ऑन करो कैमरा। ऐसे तो बहुत चीज आगे रहना का मन करता है, सो अभी भी आगे रहना करने के लिए। ठीक है, करेंगे सब। बाकी तुम छोड़ो ना उनका, तुम आप खुद तो करो। चलो, प्रॉब्लम ऑन एज का पीडीएफ मैंने शेयर किया था क्या? संगीता का कैमरा ऑन है, बस कुछ दिख ही नहीं रही है। हाँ चलो बताओ। और बाकी अपर्णा, दिव्यांशु, मुस्कान, अन्नपूर्णा, सबको रिमूव कर दीजिए। ठीक है ठीक है, तुम अपना काम करो। नहीं होंगे। चलो अब मुझे बताओ जो है उसको हो गया, तुम लोग को यही करना है। चलो बताओ प्रॉब्लम ऑन नंबर्स का, सॉरी प्रॉब्लम ऑन एज का। हाँ अंकित, अंकित ने ये क्या, तुम लोग साथ में रहते हो क्या? खुद का कैमरा ऑन करो। चलिए मुझे बताइए कुछ प्रॉब्लम, और इसमें पूछना एज वाला जो प्रॉब्लम था उसमें कुछ पूछना है, या फिर शुरुआत शुरू में तो उसका कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। पीडीएफ शेयर किया हुआ है क्या वो? अंकित पीडीएफ शेयर्ड है? कहाँ हो तुम, दिमाग खराब है क्या? रोल नंबर 50 रिमूव तो सबसे पहले तुमको करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन बनाया नहीं है, इसलिए एग्जाम है, कुछ उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अभी सॉल्व करो, कॉपी पेन लेके बैठो। अंकित लेके बैठे हुए? ठीक है,
चलिए निकालिए जरा क्वेश्चन। हम लोगों ने उसमें कुछ बनाया था प्रीवियस का, अन्नपूर्णा शायद उस क्लास में थी। बताओ तो अन्नपूर्णा कहाँ तक किया था हमने? नहीं थे, नहीं थी तुम। अच्छा ठीक है, नहीं प्रॉब्लम ऑन एजेस में कुछ क्वेश्चन मैंने ये बता दिया था। जैसे लास्ट क्लास में आपका प्रॉब्लम ऑन नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, उसका कोई बेसिक रूल नहीं है, कुछ फॉर्मूला नहीं है जो आपको याद करना है और जो याद करके आप बना लोगे, ऐसा क्वेश्चन बनने वाला है नहीं। सो इस केस में करना क्या होता है, जो भी इक्वेशन दिया है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, उसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करो और उसके बेसिस पे उसको सिंप्लीफाई करो, जो जानते हो बेसिक रूल मैथमेटिक्स का। और इसमें हम लोगों ने टिल टेंथ तक का तो क्वेश्चन बना लिया था, इसमें कुछ और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कैमरा वापस से ऑन कर लो तुम लोग, ठीक है? चलो जैसे देखो एक क्वेश्चन है, 6 years ago द रेशियो ऑफ द एज, जो भी लास्ट क्लास में नहीं थे वो बना के देख लो एक बार। रेशियो पे बेसिस के बेसिस पे अगर इंफॉर्मेशन दिया है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। So 6 years ago the ratio of age of the Kunal and Sagar, Kunal और Sagar का age का जो ratio है that is 6:5. 4 years hence मतलब 4 साल बाद, पहले क्या क्वेश्चन में बोला गया है 6 years ago मतलब अभी present age की बात अगर हम कर रहे हैं उससे 6 साल पहले, और उस 6 साल पहले का ये ratio given है। उसके बाद 4 years hence मतलब ये 4 years hence बोल रहा है, मतलब ये present age के बाद की बात कर रहा है। द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 11:10, 6 साल पहले का रेशियो दिया है, 4 साल बाद का रेशियो दिया है। तो वट इज द सागर्स एज एट प्रेजेंट, सो आपको प्रेजेंट एज बताना है इन दोनों पास्ट और फ्यूचर के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। सो अगर इसको हम मान के चले एक्स और वाई दो अलग अलग एज है, कुणाल का और सागर का, सागर का, तो यहाँ पे x और y हम दो अलग एज मान के चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो अलग वैल्यू x और y मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे 6 और 5 रेशियो दिया हुआ है। और जब भी रेशियो होता है तो रेशियो किसी ना किसी कॉमन फैक्टर से कैंसिल होकर आता है। जैसे मान लो, जैसे ये चीज एग्जाम्पल पहले भी बताया है, मान लीजिए 4/10 कहीं लिखा हुआ है तो आप इसको कैंसिल करके क्या लिखेंगे, 2/5 लिख सकते हैं। ये 2/5 ही रेशियो होता है, तो कुछ एक कॉमन टर्म यहाँ पे, जो कॉमन टर्म ये 2 और ये 2 होगा, ये कॉमन टर्म है, मतलब 2x और 5x लिख सकते हैं, ठीक है? अब इसी में इसी चीज को थोड़ा और रिलेवेंट केस में देखें, तो अभी बात क्या कर रहा था, ये 6 और 5 का रेशियो है, क्वेश्चन में दिया गया है 6:5 का रेशियो है। जब 6:5 का रेशियो है तो आपके पास 6/5 ये टर्म आ जाता है, लेकिन ये रेशियो कब का है, पहले का, पहले का, 6 साल पहले का। तो अगर प्रेजेंट एज उसका क्या होगा, क्या बोल रहे हो, 16 देखो 6x उसका एज होगा 6 साल पहले, 5x उसका एज होगा 6 साल पहले, तो अभी उसका प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 6x+6 क्योंकि 6 साल पहले की बात कर रहा है, तो अभी का जो एज हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, 6 ऐड हो जाएगा। और क्या ऐसा होगा कि कुणाल का एज बढ़ रहा है, सागर का एज कम है, या फिर सागर का एज बढ़ेगा, कुणाल का एज कम है, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप दोनों में ही ऐड करेंगे, ये 6 साल पहले का एज है और ये 6 साल बाद मतलब अभी का प्रेजेंट एज है, सो ये प्रेजेंट एज है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि अब 4 साल बाद मतलब 4 ईयर चेंज कर, हाँ तो अब 4 ईयर इंक्रीज कर रहा है, तो अब इसमें आप क्या करोगे, 4 ईयर इंक्रीज करोगे तो +4 हो जाएगा आपका, इस केस में भी होगा क्या ऐसा? यस मैम, ये इसमें ऐड हो जाएगा और +4 ये हो जाएगा। यहाँ पे जो रेशियो दिया है दैट इज 11/10, सो ये दिया हुआ है। अब यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू निकालना है और x का वैल्यू जो भी होगा उसके हिसाब से सागर का एज निकालना। तो पहले प्लस मल्टीप्लाई करो, 6 4 10 हो जाएगा, 6x+10 ये हो गया 10 into 10,
मतलब अगर आप इसको लिखेंगे दिस इज 6x, ये 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, 6x प्लस 10 इनटू 10 इनटू 10 हो जाएगा बिकॉज ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सो 10 ये हो गया, और 11 ये है इनटू 5x प्लस 10 इनटू 11, ये है ना। सो यहां से आप x का वैल्यू मुझे बताइए तो क्या आ रहा है, करके बताओ सॉल्व करके। 60x से यहाँ हो जाएगा, 10 इनटू 10 100 वन होगा मैम, वन x का वैल्यू वन आ रहा है। यस मैम। 11 10 5x 5 इनटू 55 60 माइनस 5x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 10 10 तो 5x इज इक्वल टू 10 तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा ना, वन कैसे होगा। यहाँ पे 60x आया आपका, ठीक है, 10 इंटू 6 60x, ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 11 2 हो जाएगा, ये इधर आ गया, हाँ 55 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 16 इयर्स आ रहा है मैम परसेंटेज, ठीक है। 66x यहाँ पे आपके पास 100 है और इधर 110 है, 110 माइनस 100 दिस इज 10, सो यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 2। अब x का वैल्यू 2 है तो प्रेजेंट एज बोल रहा है, तो प्रेजेंट एज क्या होगा, 5x प्लस 6 किसका, कुणाल का या सागर का, क्या पूछा जा रहा है, जो रिस्पेक्टिव एज होगा वही दिया रहेगा आपके पास क्वेश्चन में, देखो वापस क्या है, सागर, तो कुणाल और सागर बोल रहा है, दैट मीन्स कुणाल न्यूमरेटर में है और सागर का वैल्यू डिनोमिनेटर में है, तो 5 इंटू एक्स जो होगा 5 इंटू एक्स प्लस 6 उसका प्रेजेंट एज होगा, तो 5 इंटू 2 10 प्लस 6 16, सो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट है। इसमें से कुछ लोग बता भी चुके थे, है ना। चलो इसी तरह का क्वेश्चन एक देखो तो ये भी है, द टोटल ऑफ द एज ऑफ जयंत प्रेम एंड सारांश 93 है 10 ईयर एगो, या फिर इसको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले बता दिया था इसको। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए तो जरा, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें तीन पर्सन का दिया हुआ है, द प्रेजेंट एज ऑफ थ्री पर्सन्स 4:7:9 है, ये प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है, तो हो जाएगा 4x 7x और 9x, x ये है जो कॉमन फैक्टर होता है, जो मल्टीपल है जिसका, तो 4x 7x और 9x इज द प्रेजेंट एज। तीनों को जब सम कर रहे हो, ये 8 साल पहले, अब फिर से ये बोल रहा है ये प्रेजेंट एज का रेशियो, उसके बाद 8 ईयर एगो पीछे चले जाओ 8 साल पहले, तो उसके सम का जो है पीयर्स सम जो कर रहे हैं एज का वो 56 मिल रहा है, देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज इन ईयर। बताओ क्या होगा अंकित, क्या कर रहे हो तुम, बात करनी है तो फिर म्यूट करके बात करिए ना। रोल 50 है मैम, अभी तो आपका ही था भाई, मेरा तो अनम्यूट है भाई, अभी म्यूट किया है। चुप रहो, तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हो, और कैमरा ऑन करो, सामने रहो तुम। रोल नंबर 50, आपका कैमरा बार बार बंद क्यों हो रहा है मैम, क्वेश्चन बनाता नहीं है, डिस्टर्ब करता है। चलिए बनाइए तो जरा देखिए फिर इसका कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 अंकित कैमरा ऑन करो और खुद पे ही फोकस करो। These are languages. Mathematical equation पढ़ रहे हो, बुक में सिर्फ लैंग्वेज लिखा हुआ है कॉपी में। रोल नंबर 50 आंसर बताइए। प्लीज डू फास्ट। ये होगा मैम, ए ऑप्शन ए। यस मैम।
प्रेजेंट इज 8:20 and 28 आ रहा है। श्योर हो? यस मैम। ठीक है, बनाने दो और लोगों। अंकित मैंने कहा फोकस ऑन योरसेल्फ ओनली प्लीज। मैम बी नंबर होगा मैम। ऑप्शन बी? यस मैम। ऑप्शन बी ठीक है, होगा तो ऑप्शन बी, बट कैसे मान के बना देंगे बताएं। देखो क्वेश्चन क्या है, 4:7 और क्या रेशियो है, 4:7 and 9 ए ये रेशियो ना? यस मैम। सो एज अगर हम देखें, ये अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो इसका एज, ये रेशियो गिवन होता है, एज निकालना है तो जस्ट उसमें एक्स मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है हमारा एज। अब इसके बाद ये प्रेजेंट एज है और हम बात कर रहे हैं 8 साल पहले की, तो 8 साल पहले केस था वो क्या हो जाएगा, जो भी प्रेजेंट एज है उसमें से कितना घटा लोगे, 8 years ये है, दूसरा 7x में से भी आपको रिमूव करना पड़ेगा वही 8 years, नेक्स्ट आपका 9x है क्योंकि हर एक इंसान का तो एज कम है, दूसरे का कम नहीं होगा, ऐसा तो होना नहीं है, तो हर एज से, हर पर्सन के एज से आपको 8 रिमूव करना है, मतलब 8 साल पहले की बात कर रहा है तो 8 साल तुम दोनों को रिमूव कर दिया जाए क्या? चलो ये एज हो गया सबका, तो 8 साल पहले का, इसमें बोला जा रहा है जो भी एज है उसका सम आया है 56, मतलब अगर 8 साल पहले के एज का अगर हम ऐड कर दें सबका तो दैट इज इक्वल टू, तो इसीलिए हम स्टेप वाइज कर रहे हैं, पहले ये एज हो जाएगा, 8 साल पहले का ये एज होगा, इसका एज ये हो जाएगा, इस तरह से सारे एजेस की बात कर रहे हैं और उसमें फिर से बोला गया है सबके एज को जोड़ देना है, तब जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। अब 4x, 7x और 9x को जोड़िए, क्या आएगा, 20x। इस 20x के बाद आपके पास 8 × 8 × 24 हो जाता है जो कि अपोजिट साइड जाके ऐड होने वाला है, तो ये हो जाएगा 56 + 24 -24 इस साइड है तो ये आके +24 हो जाएगा। सो आपके पास ऐड करने के बाद क्या आ जा रहा है, 80। सो ये एज 80 आ चुका है, 20x = 80 है, सो x = 80/20 हो जाएगा, सो ये टर्म कैंसिल होके बचेगा 4। सो एक्स का वैल्यू 4 है। अब एज निकालना है, प्रेजेंट एज निकालना है, तो इस 4 को सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 4 करोगे दिस इज 16, 4 × 7 = 28 एंड 4 × 9 = 36। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तुम क्या कर रहे थे जिसमें आंसर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा था? ऑप्शन बी होगा बट ठीक है, 16, 28 किसी ने ऑप्शन नहीं बताया था ना, सतीश या फिर कोई? सतीश बताया था मैम, सतीश। मैम हम ऐड करके सीधे डिवाइड कर दिए थे। अच्छा इसलिए, क्योंकि आज सर रेशियो प्रेजेंट दे रहा है, इन्फॉर्मेशन देख लो ध्यान से, अभी रेशियो दे रहा है वो प्रेजेंट एज का दे रहा है और बात कर रहा है 8 साल पहले की, तो माइनस हो जाएगा ना, 8 साल बाद की बात करता तो ऐड हो जाता। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए तो 16 क्या है, 10 years ago ए वाज हाफ ऑफ बी, इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 3:4 व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज, टोटल ऑफ प्रेजेंट एज मतलब दोनों के एज का सम,
दस साल पहले ए वाज हाफ ऑफ बी, जो भी एज बी का था उसका हाफ था, मतलब अगर एक बी का ए वाज हाफ ऑफ बी, मतलब बी का अगर 20 है तो ए का 10 हो जाएगा, ऐसा केस था। बट अभी का जो रेशियो दिया है वो दिया है 3:4, सो व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एज? रेशियो में दिया है तो 3x 4x आप लिख सकते हैं। 10 साल पहले का है तो 10 साल पहले का डिफरेंस था, अब उसमें 10 साल ऐड करोगे तो 10 ईयर ऐड हो जाएगा दोनों में, अकॉर्डिंगली रेशियो चेंज हो जाएगा। हालांकि रेशियो तो पूछ नहीं रहा है, प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो प्रेजेंट एज भी बता ही सकते हैं। देखिए फिर इसका इक्वेशन क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 16। ए वाज हाफ ऑफ बी, बताओ क्या होगा? रोल नंबर 15, रोल नंबर 38, रोल नंबर 22। मैम जादू पढ़ नहीं रहा है, मैम अंकित डिस्टर्ब कर रहा है मैम। डिस्टर्बिंग एलिमेंट के साथ रहते ही हो, क्या किया जा सकता? सब लोग कैमरा ऑन करिए, तो डिस्टर्बेंस कम करने का या खत्म करने का यही एक तरीका है। कैमरा ऑन करो सब लोग। अंकित मैंने क्या कहा आपको, खुद का कैमरा ऑन किया, सिर्फ खुद के लिए करो, अपने कैमरा फ्रेम में दूसरे को एंटर मत करने दो। यस चलिए बनाइए, अब बताइए क्या रेशियो बनेगा, क्या इक्वेशन क्या बनेगा। फिर से कैमरा बंद, कैमरा ऑन रखो, मतलब कैमरा ऑन रखो। अंकित पांडे कैमरा ऑन करिए, चलो बताओ अंकित, इतने देर से सोच रहे हो, बना रहे हो, क्या बना रहे हो? कुछ इनोवेटिव आइडिया आने वाला है, बताइए। देखो 10 साल पहले, तो 10 साल पहले में प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, जो भी एक्स रहा होगा उसमें ऐड होगा। 10 इयर्स पहले का एक रिलेशन गिवन है, ए वाज हाफ ऑफ बी, सो जो भी अगर बी का सपोज ए का एज एक्स हो तो बी का एज क्या हो जाएगा, जस्ट डबल। तो हम ये मान के चल सकते हैं ए का एज एक्स था पर्टिकुलर टाइम पहले, मतलब 10 साल पहले, तो अभी बी का एज उसी वक्त 2x रहा होगा, क्योंकि जो दिखाइए ना। अच्छा एक मिनट, उतना देर से तो ऑन ही था भाई, कहाँ ना देखा। चलो देखो क्या है, 10 ईयर अगो ए वाज हाफ, 13 इयर्स होगा मैम, क्या होगा 13x, 30 सम सम 30 बोल रहे हो। यस मैम, इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बताओ ना। ए का एज एक्स है तो बी का 2x, 10 साल बाद प्रेजेंट एज, 10 साल पहले का रेशियो दिया तो 10 साल बाद तो 10 ऐड हो जाएगा, और 10 साल बाद का रेशियो गिवन है, then this is equal to 3/4, ये गिवन है, then you have to calculate x, हो जाएगा, क्वेश्चन कर देंगे मैम, और x x x 2x आ जाएगा, और ये हो जाएगा 40 and 30, 10, so 2x is equal to 10, so x is equal to 5, देखिए तो आ रहा है। Yes, ma'am. X is equal to 5. So x is equal to 5 है, तो present age हो जाएगा, एक का है ये 3 और 4 है ना, तो 5 into 3 15, और दूसरे का 5 into 4 20, so दोनों को add करोगे क्योंकि sum of their ages बोल रहा है, 35, तो दोनों को age के sum करोगे, so 35, so 35 option जो भी होगा जिस option में वो correct option है। देखिए कौन सा है,
45 या 30, 20, none of these. So option none of these आएगा इसका, ठीक है? क्योंकि 35 किसी भी आंसर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है. 20, 30, 45 and none of these. But none of these is the answer. ठीक है? नेक्स्ट इसका जस्ट बाद वाला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान सा है लेकिन थोड़ा घुमाया हुआ है. A man is 24 year older than his son. एक इंसान है जो अपने सन से 24 साल बड़ा है. एज गैप है फादर और सन का 24 ईयर. इन टू इयर्स, इन टू इयर्स, अंकित जस्ट म्यूट योरसेल्फ. सो एज गैप जो है वो 24 ईयर का है. इन टू ईयर हिज एज विल बी द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन. अंकित मैम उसका माइक ऑन है. मैम माइक तो बंद कर दिया मैंने. तुम लोग सब चाहते हो कैमरा ऑन करके रखो या नहीं? फिर से बार बार क्यों कैमरा बंद कर दे रहे हो? सबका कंप्लेन करेंगे. रुको वन बाय वन, एक ही बार पूरा लिस्ट ही भेज देते हैं. मेरा काम आप लोग को एक ही बात 10 बार बोलना नहीं है. जो भी करना अभी कर लो, पता चलता है. आप आओ आओ कॉलेज आओ. सबका कंप्लेन एक ही साथ भेजेंगे, पूरा एक लिस्ट ही भेज देते. और जो भी कैमरा ऑन नहीं करेगा सबका नाम भेज रहे हैं. डिस्टर्बिंग एलिमेंट तो जो है उनका है ही. मैम मेरा कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा. ठीक है, एक्सप्लेनेशन देना आप सर के पास, जो भी देना. चलो छोड़ो, एक ही चीज बोला ना मैंने, एक एक ही बात मेरा 10 बार बोलना काम नहीं है. देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हम डील कर रहे थे. अ मैन एंड सन का जो भी एज गैप है दैट इज 24 ईयर ओल्ड. His age will be twice. 2 साल बाद जो भी एज रहेगा सन का उसका डबल है उसके फादर का एज. तो उसका प्रेजेंट एज, सन का प्रेजेंट एज क्या होगा? एज गैप दे चुका है. यहाँ पे रेशियो मेंशन्ड नहीं है. रेशियो मेंशन नहीं है तो ये भी श्योर है अगर 1x है तो दूसरा 2x होगा, बिकॉज आपके पास ट्वाइस एज दे रहा है. प्रेजेंट एज जो भी है इन टू ईयर्स उसका प्रेजेंट एज ही हो जाएगा. तो वो एज ट्वाइस दिया हुआ है. तो अगर ट्वाइस दिया हुआ है तो देयर इज अ रिलेशन, ए काइंड ऑफ रिलेशन दिया है. एक अगर एक्स है तो दूसरा 2x है. सो रेशियो अगर नहीं है तो आप मान सकते हैं 1:2 का रेशियो है. अब यहाँ पे प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है. सो पहले तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 24 मान के चल सकते हो. वाई जो है वो 24 ना होकर एक्स होगा. तो एक्स का वैल्यू एक मिनट क्या होगा इसमें, इक्वेशन क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 18 का अनीता कुछ समझ में आ रहा है? देखो एक का एज अगर सन का एज एक्स है तो फादर का एज क्या हो जाएगा?
सन का एज अगर x है तो फादर का एज क्या होगा? y x plus 24 भी तो हो सकता है क्योंकि there is a gap of 24 years. So एक एज x है सन का, x plus 4 हो जाएगा, x plus 24 हो जाएगा फादर का एज. क्योंकि हम लोगों को रिलेशन के टर्म में जो भी x और y भी मान सकते हैं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं y is equal to x plus 4. सन का एज x है, फादर का एज y है, तो y is equal to x plus 24 क्योंकि अपने बेटे से 24 साल बड़ा है, ऐसा रिलेशन दिया है. अब इसके बाद क्या है ऑप्शन कि दो साल बाद इन टू इयर्स एज ए का जो एज है वो उसके फादर के एज का जस्ट डबल हो जाएगा. तो अगर ये फादर का एज है जस्ट डबल हो जाएगा, मतलब दो साल बाद x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा. फादर का एज जो है वो दोगुना हो जाएगा उसके सन के एज का, मतलब y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा. जो भी एज सन का रहेगा उसका दोगुना होने वाला है y का एज. सो ये दिया है. और ये कब होगा? आफ्टर टू इयर्स की बात कर रहा है. सो आफ्टर टू इयर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर ये फादर का एज है तो x प्लस 24 फादर का एज है, और इसमें दो साल आप और ऐड कर रहे हो क्योंकि दो साल बाद की बात कर रहा है, तो ये ऐड करोगे. जब इतना ऐड कर लेंगे देन आपके पास क्या रिजल्ट बता रहा है कि जो भी एज आएगा इसका रिजल्ट ऐड करने के बाद वो उसके सन का दोगुना है. तो सन का एज क्या है हमारे पास? x. तो आपके पास जो भी एज x होगा सन का उसका जस्ट डबल. तो क्या लिखेंगे इसको हम? बता सकता है कोई? मैम डबल हो जाएगा 2x प्लस 56. 2x प्लस 56? यस मैम. मतलब इस पूरे का मल्टीपल? हाँ ठीक है, लिख सकते हो 2x प्लस 56 दोनों इक्वल होगा इसका. अब यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है? ये 2x है, यहाँ पे x है, x वाला टर्म उधर भेज दीजिए, 24 प्लस 2. यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा? x का वैल्यू मिल सकता है क्या? या फिर इस चीज को ऐसा करना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है कि एक मिनट, अगर इस पोर्शन को हम हटा दें जो आप बोल रहे हो, ये कर ले अगर हम कि सन का एज x था, वो एज x प्लस 2 हो गया दो साल बाद, और उस सन के एज का दोगुना है. बताओ सतीश, हो सकता है ये? यस मैम. ऐसा कर लेंगे तो आराम से बन जाएगा, क्योंकि दो साल बाद वाला जो आप बोल रहे थे उसमें दोगुना नहीं, दोगुना तो हो रहा था बट दो साल ऐड नहीं हो रहा था, तो ये ऐड कर सकते हैं. तो दो साल बड़ा हो गया, जो भी सन का एज रहा वो दो साल बड़ा हो गया दो साल में, और उसका दोगुना है उसका पर्टिकुलर एज. तो यहाँ पे हो जाएगा x plus 26 and this is equal to 2x plus 4. अब यहां से आपको x का वैल्यू निकालना है, तो इस x को उधर भी ले जाइए, इसको इधर ले आइए. सो आपके पास ये x उधर जाएगा, तो आपके पास बचेगा x 2x minus x, that is x 26 minus 4, 22. सो x का वैल्यू 22 है. क्या होगा ऐसा देखो तो जरा. एक यस मैम सही है, x इक्वल टू 22. x का वैल्यू 22 है, अगर इसका जस्ट डबल मतलब उसके फादर का एज 44 हो जाएगा. इसमें कुछ है ऐसा जो लग रहा है कि नहीं है? सही, दो साल 24 साल बड़ा है तो x प्लस 24 ये हो गया, प्लस 2 दो साल बाद की कर रहा है तो प्लस 2 हो गया. जो एज दो साल बाद होगा उसके फादर का एज ये ऑलरेडी है, उसके सन के एज का दोगुना होगा. तो ये यहाँ से आ गया. देखो तो कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट लग रहा है तो बताओ. इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं ये चेक करके बताइए जरा. दो साल घटा देंगे तो इसका एज 20 साल हो जाएगा, और उसका एज क्या होगा? 20, और उसमें से दो घटाइए 44, में से भी दो घटाइएगा तो 42 आ जाएगा. तो डिफरेंस आ रहा है 24.
ये 20 और वो 2 घटेगा तो 42 डिफरेंस 22 दिख रहा है 40 24 ये इसका गैप है या नहीं ये चेक कर लो बस अगर है तो ठीक है नहीं है तो फिर कुछ गलत होगा चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जरा देखिए तो 22 आंसर है यस मैम ठीक क्वेश्चन नंबर 20 देखिए तो पर्सन्स प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर आफ्टर 8 इयर्स ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ द मदर हाउ ओल्ड इज द मदर एट प्रेजेंट सो जो भी प्रेजेंट एज है प्रेजेंट एज ऑफ अ पर्सन इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ द मदर मदर का एज जो भी है उसका 2/5 जो है वो उसका एज है प्रेजेंट एज लेकिन 8 साल बाद आफ्टर 8 इयर्स जो रिलेशन होगा जो एज है वो 1/2 मतलब जितना एज उसका है वो अपनी मदर का हाफ एज हो जाएगा जिस तरह का रिलेशन ऊपर दिया था उसमें डायरेक्टली डबल दे दिया था लेकिन ये 8 साल बाद डबल होगा ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है हाउ ओल्ड द मदर इज एट प्रेजेंट सो मदर के एज को एक्स अगर हम कंसिडर कर लें तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज हर चाइल्ड इज 2/5 ऑफ एज मतलब यहाँ पे x का 2/5 निकाल लो वो उसके सन का एज है 8 साल बाद मतलब जो भी एज है दोनों में ऐड कर लीजिए प्लस 8 वो हो जाएगा 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर सो माँ का एज उसकी क्या है सो ये आपको कैलकुलेट करना है कोई रिलेशन लग रहा है जो लास्ट क्वेश्चन बनाए हो वैसा ही बनेगा बट इसमें एक फ्रैक्शनल टर्म डाल दिया है 2/5 ऑफ हर एज 2/5 बोल दिया इसलिए थोड़ा देखना पड़ेगा आपको क्या है सो अगर प्रेजेंट एज उसकी मदर का क्या होगा एक एक्स प्रेजेंट एज है उसके सन का एज अभी प्रेजेंट में क्या ये मदर का एज है एक्स का 2/5 मतलब एक्स 2x/5 ये है सन का एज 8 साल बाद मतलब 8 साल बाद जो है वो एज इसमें अभी ऐड हो जाएगा और एज उसके सन में और मदर में दोनों में 8 साल बाद की बात कर रहा है तो दोनों का 8 साल एज बढ़ेगा ये एज जब बढ़ रहा है तो रिजल्ट में दिया जा रहा है कि जो भी उसके सन का एज है उसका दोगुना उसकी माँ का एज है जस्ट डबल 1/2 है ना तो इसका जस्ट डबल तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इस एज को आप अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें 8 साल बाद इसका जो रिजल्ट आने वाला है ये इसके मदर का दोगुना हो जाएगा तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो या इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करो मतलब ये हो गया दिस टर्म इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एज यहाँ पे 1/2 कर लो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो या इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करो एक ही बात है एक्स प्लस एट यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालिए जो एक्स का वैल्यू होगा वही उसकी माँ का एज है तो यहाँ से एज निकाल सकते हैं अब यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2x/5 है ये टर्म इधर आ जाएगा तो -x/2 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 8 ऑलरेडी ये है तो आप ध्यान देना ये 8 इधर आएगा 8/2 यहाँ पे मुश्किल है एक काम करो इधर ही अपोजिट साइड वैसे इधर भी लिख सकते हैं बट नेगेटिव नंबर आएगा तो नेगेटिव नंबर लाने से अच्छा है आप पॉजिटिव नंबर ही लाओ यहाँ पे आपका x बाई टू हो जाएगा इस x बाई टू में ये पोर्शन घटाइए x इंटू 2/5 और ये 8 जो है इधर आ जाएगा इस 8 को जब इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा ये 2 से मल्टीप्लाई होने वाला है तो ये 4 हो जाएगा सो 8-4 ये 8 ऑलरेडी है ये 8 डिवाइड होगा तो 4 हो जाएगा तो यहाँ पे 4 रिजल्ट आ चुका है और इधर आपको सिंप्लीफाई करना है तो 5 2 10 एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पे 5 एक्स माइनस इतना करने का जरूरत है नहीं वैसे बट 2 से डिवाइड करोगे 16 आ जाएगा मैम एक्स का वैल्यू 16 5x -2x तो 4x x का वैल्यू 10 ठीक है 40 आ जाएगा ना मैम
यहाँ पे डिफरेंस 40 हो जाएगा ना, यस मैम 40 हो जाएगा सर, तो ये x हो गया, ये 10 इधर आ गया, तो दिस इज 40, सो x का 40 है, मतलब उसकी माँ का एज है 40 है, सन का एज अगर निकालोगे तो इसमें 2/5 निकाल लो, फिर 8 ऐड कर लो, या फिर इसी में से 8 घटा लो तो 32 हो जाएगा, 32 का 2/5 निकालोगे तो ये भी एज निकल जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट एज है, 8 साल जो आप ऐड किए हैं ये तब का एज है, तो इससे पहले जाएंगे 8 साल पहले तो उसकी माँ का एज 32 होगा, और उस 32 एज का 2/5 जो होगा वो उस टाइम 8 साल पहले उसके बेटे का एज है, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो जो आएगा वो आंसर होगा, बट ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, क्वेश्चन में उसका मदर का अभी प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है, सो प्रेजेंट एज तो आपका यही आ रहा है, स्क्रीन विजिबल है क्वेश्चन? यस मैम, यही आपका, आप देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी जो है वो 40 इयर्स दे रहा है, 40 इयर्स है, यस मैम 40 है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन 21 जरा ध्यान से पढ़िए, तो इसमें ग्रैंड फादर का एज कुछ रिलेट करके दिया है, समझो तो जरा, तान्यास ग्रैंडफादर एज, सॉरी तान्यास ग्रैंडफादर वाज 8 टाइम्स ओल्डर टू हर 16 ईयर, 16 साल पहले उसका जो भी सॉरी दादाजी का जो एज था, ग्रैंडफादर का जो एज है वो 8 टाइम्स है, जो भी एज रहा हो, अगर 2 हो तो 8 टाइम्स 16 हो जाएगा, ऐसा कुछ कंसिडर करके दिया हुआ है, यू ही वुड बी 3 टाइम्स ऑफ हर एज आफ्टर एज 8 इयर्स फ्रॉम नाउ, 8 इयर्स अगो व्हाट वाज द रेशियो ऑफ तानियाज एज टू हर ग्रैंडफादर, देखो तो जरा कैसे बना सकते हैं, 8 टाइम्स, तो हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, फर्स्ट लाइन का तो समझ में आ रहा है, तान्यास ग्रैंडफादर का जो एज है yes, ma'am. वो उसके एज का 8 टाइम्स है 16 साल पहले, सो अगर 16 साल पहले की बात कर रहा है तो 16 ईयर एगो मतलब माइनस करो, अगर प्रेजेंट एज तान्या का एक्स है तो उसके ग्रैंडफादर का एज 8x हो जाएगा, और ये कब है 16 ईयर एगो, ठीक है, उसके बाद की बात कर रहा है, अभी प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, ही वुड बी 3 टाइम्स टू हर एज 8 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से उसका एज जो है वो 3 गुना है, कहां 8 गुना था, यहाँ पे 3 गुना है, अब 8 साल पहले जो एज रेशियो होगा वो बताना है, मतलब इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों का रिलेशन दे दिया है, 16 साल पहले ये था, 8 साल बाद ये है, तो 8 साल पहले क्या होगा, देखो तो जरा है कुछ ऑप्शन, 3.8 हो सकता है क्या, क्या हो सकता है, 3:8 जो 3 रेशियो है, 3:8 है तो नहीं, बट बता कैसे रहे हो ये बताओ, 3:8 लिखा हुआ है मैम, 3:8 है ना, हाँ ऑप्शन तो है, ऑप्शन की बात नहीं कर रहा है, कैसे आया ये पूछ रहे हैं, बोल मैम, ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे जिसमें कुछ साल पहले की बात कर रहा है, फिर प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, फिर 4 साल बाद की बात कर रहा है, तो हम हाँ 6 साल पहले की बात कर रहा था, फिर प्रेजेंट एज निकाल रहे थे, फिर 4 साल बाद की बात कर रहा था, 4 ईयर हेंस, सो उसमें जिस तरह का अप्रोच था वही होगा, एक मिनट रुको, इस क्वेश्चन को समझो क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों मिक्स कर दिया, प्रेजेंट एज सॉरी 16 ईयर एगो की बात कर रहे हैं पहले हम, ठीक है, yes, जब 16 ईयर एगो की बात कर रहे हैं तो तान्या का एज एक्स था, उसके दादाजी का एज 8x था, ये हम कब की बात कर रहे हैं, 16 ईयर एगो, अब प्रेजेंट एज की बात करो अभी की, तो क्या हो जाएगा, इस प्रेजेंट एज को जब हम निकाल रहे हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं, इसी में कर देते हैं, इसे 16 साल पहले की बात कर रहा है, प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, तो इसमें 16 ऐड हो जाएगा क्या, 16 ईयर एगो की बात कर रहे हैं, तो अभी का जो एज होगा वो क्या होगा, 16 ऐड हो जाएगा, अब इसके बाद बोला जा रहा है
आठ साल बाद. सो 18 ईयर एक्स्ट्रा जो बोल रहा है 8 ईयर्स आफ्टर, वो क्या हो जाएगा? वो फिर से ऐड हो जाएगा इसमें, मतलब इसमें फिर से आप 8 साल बाद में आप फिर से ऐड कर लो 8 ईयर, ठीक है. और ये जो दिया है 8 साल बाद का, ये एज है. चलो इतने तक तो हम लोग कर लिए. इसके बाद क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है जरा देखिए वापस से जाके. प्रेजेंट पास्ट से प्रेजेंट में लाए, प्रेजेंट से फ्यूचर में लेके चलेगा, ये रेशियो हमें मिल गया, ठीक है यहाँ तक. अब इसके बाद का क्या इंफॉर्मेशन है वो पढ़ो. जो भी एज, जो भी एज है 8 ईयर अगो, मतलब अब यहाँ से पीछे जाना है 8 साल पहले, कहाँ 16 ईयर पहले की बात कर रहा है, अब 8 ईयर अगो की बात कर रहा है. तो 8 ईयर अगो हम पीछे जाएंगे, उसमें जो भी एज है, सॉरी थ्री टाइम्स ना सॉरी ये हटा दो, ही वुड बी 3 times ऑफ आवर एज 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ. ये फ्यूचर की ही बात कर रहा है. चलो सेकंड स्टेटमेंट में आ जाओ. ही वुड बी 3 times ऑफ हर एज 8 ईयर फ्रॉम नाउ. तो 8 ईयर फ्रॉम नाउ वाला केस तो हम लोग ले चुके हैं इसी में. अब इसी चीज को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो पहले ये हो जाएगा एक्स प्लस 16 और 8 24. यस मैम. ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 8x plus 24. इतना तक तो बस हम लोग जो सॉल्व किए थे उसी को लिख लिए. इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है ये जो फ्रॉम नाउ करके ये जो रिजल्ट आ रहा है ये इसके एज का 3 गुना है. देखो क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम नाउ 8 ईयर फ्रॉम लिखा हुआ मैम है ना 3 times. सेकंड स्टेटमेंट जो है he would be 3 times of her age 8 year from now. अभी के बाद, अभी 8 साल बाद उसका एज का जो रेशियो होगा वो 3 times मल्टीपल होगा इसका. अब यहाँ से रेशियो निकालना है तो पहले तो x निकाल लो फिर रेशियो में मिल जाएगा. तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको. पहले x का वैल्यू निकाल लीजिए, ये 3x होगा, इधर 8x है तो 5x आपके पास बचा रह जाता है. ये 8x माइनस 3x करोगे तो इधर 5x बचेगा, यहाँ 72 आ जाएगा, होगा. yes, ये 24 इधर आके माइनस होने वाला है तो 72 माइनस 24 हम यही लिख देते हैं, 72 माइनस 24. सो अब आपके पास कितना बचा देखिए जरा, x का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से. फाइव एक्स का वैल्यू 48 है, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 48/5. तो आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करते क्योंकि किसी का इस फ्रैक्शन में अभी हम निकालेंगे तो फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं हम लोग. तो x का वैल्यू बस यहाँ से लिख लो, दैट इज 48/5, ठीक है. ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी किया गया था, ये x का वैल्यू मिल गया. अब यहाँ से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए वो मिल गया, लेकिन यहाँ के बाद अब क्वेश्चन में फिर से फ्रॉम नाउ 8 ईयर फ्रॉम नाउ या फिर फ्रॉम बैक ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है. अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ तान्याज एज टू द हर ग्रैंडफादर 8 ईयर एगो, 8 साल पहले क्या एज का रेशियो होगा ये बताना है. मैम बोलो. नॉन ऑफ दिस हो सकता है मैम, इसका आंसर तो सच नहीं आ पा रहा. 9.6 आ रहा है. 9.6 ये यहाँ तक तो ठीक है ना, क्लियर है ये. यस मैम. जो इन्फॉर्मेशन दी है, अब 8 ईयर एगो बोल रहा है तो जो भी एज प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट एज अगर हम लोग ध्यान से समझे तो ये एक्स है, इसमें ये आप प्रेजेंट एज एक्स प्लस ये वाला केस है, यहाँ से हमें रेशियो निकालना है. तो एक काम करो एक्स का वैल्यू इस पे रखो 48/5, ये हो गया x, और इसमें जोड़ दो कितना प्रेजेंट एज 8 ईयर फ्रॉम 8 ईयर एगो बोल रहा है ना, तो इसमें से आप प्रेजेंट एज ये है, या तो प्रेजेंट एज निकाल के 8 साल पहले चले जाओ या तो डायरेक्टली माइनस कर लो. तो प्रेजेंट एज के हिसाब से ही हम जाएंगे. तो पहले 16 इसको ले लीजिए, ऐड कर लीजिए, यहाँ पे 8x मतलब 48/5 into 8 plus 16 होगा,
सो ये इसका प्रेजेंट एज होगा. इस प्रेजेंट एज में से जो भी एज ये नंबर आएगा, कुछ भी ये नंबर आने वाला है, ये एक पर्टिकुलर नंबर आएगा और ये भी एक पर्टिकुलर नंबर आएगा, इसमें से 8 घटा दो, बस वही आंसर है. तो यहाँ 80, 48 प्लस 80 ये होगा बाई फाइव. तो दोनों में तरफ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं. यहाँ से ये दोनों में टर्म है, तो ये 48 और 8 इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये लार्जर नंबर आ रहा है. 16 और 80 ये भी आएगा, घटाइए और जो भी रिजल्ट आएगा, ये सबको जोड़ के जो रिजल्ट आएगा उसमें से 8 घटा दो, बस आंसर आ गया. इतना ही करना है. बट यहाँ पे ये वाला पोर्शन सिर्फ समझने वाला था, यहाँ से सिंप्लीफाई करने वाला. ये तो कैलकुलेशन है बस, तो वो कर सकते हो, करके देखो क्या आ रहा है. वैसे रेशियो 11 समथिंग आ रहा है. तो जो होगा वो आंसर है. ठीक है मैम, अटेंडेंस. अटेंडेंस पहले, आंसर का टेंशन नहीं, अटेंडेंस का टेंशन है ना. अटेंडेंस तो आप लोग में से किसी को मिलना ही नहीं चाहिए लॉजिकली. सारे के सारे कैमरा बंद करके बैठे हो. मैं मेरा कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा था. मैं अब लगता है हमको लीव करके फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा तब जाके. ठीक है नेक्स्ट क्लास में देखिएगा कुछ, अगर बन पाता है तो बनाइए जल्दी से. ठीक है और कोशिश करिए, इन फ्यूचर ये काम बहुत आने वाला है फॉर एवरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ओके देन.